यूपीएससी एग्जाम बहुत चैलेंजिंग होता है। सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए आपको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। इसमें सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जैसे सोशल साइंसेस की डीप अंडरस्टैंडिंग भी शामिल है। ये डिसिप्लिन्स ह्यूमन बिहेवियर को अलग अलग लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सोशियोलॉजी समाज की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करता है। साइकोलॉजी व्यक्ति के माइंड की इंट्रिकेसीज को समझता है। ये ऐसे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के न्यूएंसेस को एग्जामिन करेगा। हम G.H. मीड, जॉर्ज सिमल, टॉलकॉट पार्सन्स और एमिल डर्कहाइम जैसे की थिंकर्स के आइडियाज को समझेंगे। इन पर्सपेक्टिव्स को समझकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स ह्यूमन बिहेवियर का एक होलिस्टिक व्यू प्राप्त कर सकते हैं। ये नॉलेज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में सोशल इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए क्रूशियल है। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को अक्सर अलग अलग डिसिप्लिन्स माना जाता है। हालांकि दोनों का ह्यूमन बिहेवियर को समझने में फंडामेंटल इंटरेस्ट एक समान है। सोशियोलॉजी ये एग्जामिन करता है कि इंडिविजुअल्स लार्जर सोशल स्ट्रक्चर्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स और सोशल ग्रुप्स शामिल हैं। इसके विपरीत साइकोलॉजी व्यक्ति के माइंड की इंटरनल प्रोसेसेस पर फोकस करता है। इसमें कॉग्निशन, इमोशन और मोटिवेशन शामिल है। अपने डिफरेंसेस के बावजूद सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इंटरकनेक्टेड है। सोशल स्ट्रक्चर्स इंडिविजुअल बिहेवियर को शेप करते हैं। बदले में इंडिविजुअल एक्शंस सोशल स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ह्यूमन सोसाइटीज की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए इस इंटरप्ले को रिकॉग्नाइज करना एसेंशियल है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड एक प्रोमिनेंट अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्हें सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म पर उनके काम के लिए जाना जाता है। ये पर्सपेक्टिव सोशल इंटरैक्शन को शेप करने में सिंबल्स के रोल पर एम्फसाइज करता है। मीड के अनुसार इंडिविजुअल्स दूसरों के साथ इंटरैक्शंस के माध्यम से सेल्फ की भावना डेवलप करते हैं। इन इंटरैक्शंस में सिंबल्स का एक्सचेंज शामिल होता है, जैसे लैंग्वेज, जेस्चर्स और ऑब्जेक्ट्स। ये सिंबल्स शेयर्ड मीनिंग्स रखते हैं। इससे इंडिविजुअल्स अपने एक्शंस को समझ और कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। मीड का काम हाईलाइट करता है कि कैसे सोशल इंटरैक्शन इंडिविजुअल आइडेंटिटी और बिहेवियर को शेप करता है। सेक्शन 4, सोशल स्ट्रक्चर्स और इंडिविजुअल एक्शंस। सिमल और पार्सन से इनसाइट्स। जॉर्ज सिमल एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे जो अर्बन लाइफ और सोशल इंटरैक्शन पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने तर्क दिया कि इंडिविजुअल्स उन सोशल स्ट्रक्चर्स से शेप होते हैं जिनमें वे रहते हैं। हालांकि उनके पास उन स्ट्रक्चर्स को शेप करने की एजेंसी भी होती है। स्मॉल ग्रुप डायनामिक्स पर सिमल का फोकस इस बात पर इनसाइट्स प्रदान करता है कि इंडिविजुअल्स कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप्स को कैसे नेविगेट करते हैं। टॉलकॉट पार्सन्स एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का थ्योरी डेवलप किया था। ये थ्योरी सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के रूप में देखता है। इस सिस्टम के प्रत्येक पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। पार्सन्स ने तर्क दिया कि इंडिविजुअल्स रोल्स और नॉर्म्स में सोशलाइज होते हैं। ये रोल्स और नॉर्म्स सोसाइटी के ओवरऑल फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 5, डर्कहाइम्स लेगेसी कलेक्टिव कॉन्शियंस और सोशल ऑर्डर। एमिल डर्कहाइम एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट को डिसिप्लिन के फाउंडिंग फादर्स में से एक माना जाता है। उन्हें कलेक्टिव कॉन्शियंस के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। ये उन शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज और नॉर्म्स को रिफर करता है जो एक सोसाइटी को एक साथ बाइंड करते हैं। डर्कहाइम ने तर्क किया कि कलेक्टिव कॉन्शियंस इंडिविजुअल बिहेवियर पर एक पावरफुल इन्फ्लुएंस डालता है। ये बिलोंगिंग और सोशल ऑर्डर की भावना प्रदान करता है। हालांकि रैपिड सोशल चेंज कलेक्टिव कॉन्शियंस को वीकन कर सकता है। इससे एनोमी पैदा होती है जो नॉर्मलेसनेस और सोशल इंस्टेबिलिटी की स्थिति है।